देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एक हैंडीक्राफ्ट की इनका खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर लिखा देखो, आकर्षित हैंडीक्राफ्ट भारतीय प्राचीन कला। ठीक है, ये प्राचीन शब्द देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। देखे ठीक है, भारतीय प्राचीन यानी यहाँ पे जो भी चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे सब कुछ जूना पुराना चीज़ मिलेगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना बाबा आजम का ज़माना, ठीक है उस प्रकार की आपको पूरी चीज़ मिलेगी यहाँ पर। चीज़ आप देखो, मतलब मूर्ति जो बोलते हैं आप, मतलब घर के लिए शोकेस के लिए यहाँ पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो यहाँ पे गणपति के हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें देखो यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पे तो पूरा ये है, यहाँ से मतलब पूरा शोकेस है। ठीक है, ये बाहर लगाया हुआ चीज़, यहाँ पर फिर से गणपति आए हुए हैं। यहाँ पर देखो ये जो दिया, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो हाथी लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हाथी है। ठीक है, अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाने वाला हूँ, मतलब इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ अंदर। ठीक है जी सर, हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है? हमारे पास ब्रास हैंडीक्राफ्ट की टोटल आइटमें अवेलेबल है। जैसे कि ब्रास के अंदर कोई भी भगवान की स्टैचू आप मांगते हो जी जी जी, तो वो मिलेगी आपको। और उसमें जैसे कि 2 इंच से लेके आप 2 फुट 4 फुट 5 फुट तक की साइज में जैसी भी कोई भी स्टैचू भगवान की मांगते हो तो मिलेगी आपको। गिफ्ट आर्टिकल की चीज़ें मिलेगी, जैसे कि कहीं शोपीस में रखना है, बराबर चीज़ें रखनी है, बराबर ऐसी भी मिलेगी। हमारे पास चूल्हे की चेन वगैरह मिलेगी जी जी जी, चेन के अंदर आपको एंटिक स्टाइल मिलेगी, बराबर। कहने का मतलब आपको ऐसी चीज़ समझो कि बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारे पास ब्रास में आपको जो चीज़ मांगोगे जैसी मांगोगे मिल जाएगी, बराबर है। ब्रास के अंदर कोई भी भगवान की स्टैचू है, कोई भी आर्ट है, ऐसी भी चीज़ आप मांगोगे मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर सपोज हमारे पास अगर जो वो चीज़ नहीं है और आप अपने हिसाब से अपनी कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हो, बराबर, कस्टम मेड, हाँ आप कस्टमर की चॉइस है कि भाई हमें इस टाइप का कुछ बनाना है, हाँ हाँ, कोई भी हाइट हो कोई भी साइज हो, बराबर, हम बनाते हैं, बराबर 100% बना के देंगे। अभी फिलहाल ये आप देख रहे हो ये गौतम बुद्ध की स्टैचू है, बराबर है। जैसे कि इसमें आप छोटी से लेके बराबर आप जितनी बड़ी मांगोगे 2 फीट 4 फीट 5 फीट आपको मिल सकती है, बराबर। जैसे कि ये ब्रास का है, ये 100% ब्रास होता है, ये लाइफ टाइम की गारंटी होती है, बराबर है। यानी काला नहीं पड़ेगा? काला तो पड़ेगा, बराबर है, लेकिन इसको साफ करोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये प्लस पॉइंट ये है कि समझो कि ये कभी भी गिरने से कभी भी इस मूर्ति को कुछ होगा नहीं, टूटेगा नहीं, बराबर है। और सर इसकी प्राइस आप बता सकते हो क्या? मतलब 200 रुपए, बराबर। ये बुद्धा की स्टैचू के अंदर जैसे कि ये सिर्फ आपको हेड मिलेगा, स्लीपिंग बुद्धा मिलेंगे, स्टैंडिंग बुद्धा मिलेंगे, बड़ी साइज है, बराबर। अब ये स्टैचू आपको पड़ेगी 650 रुपए की, बराबर 650 रुपए का आपको ये मिलेगा, बराबर। ये आएगा ब्रास, बराबर, प्योर पीतल। हाँ। ये समझो कि कहीं पे भी कभी भी कैसे भी गिरता है, हाँ हाँ हाँ, तो इस स्टैचू को कुछ नहीं होता, बराबर। दूसरी बात की ये स्टैचू आप ले रहे हो आज, हाँ हाँ, बराबर, तो इसका आने वाले कुछ टाइम में इसका रेट बढ़ने वाला है, बराबर, घटने वाला नहीं है। जैसे कि आप किसी भी मेटल के किसी भी चीज में, या मार्बल है, पीओपी है, हाँ हाँ, किसी भी मेटल में आप ले रहे हो, तो हाँ, इसका प्राइस दिन पर दिन कम होगा, लेकिन इसका प्राइस कभी कम नहीं होगा, बराबर। ये इसकी प्राइस इंक्रीमेंट होगी, हाँ, बढ़ेगी। जैसे कि आप ये 650 रुपए में आपने स्टैचू खरीदा है, बराबर, बराबर। अब ये स्टैचू आपने 650 रुपए में खरीदा, सपोज आपके घर पे रखा आपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, जैसे कि 10 साल बाद आपको अगर जो ये देखकर आपको बड़ी साइज लेनी है, हाँ हाँ, सपोज यानी तो एक्सचेंज भी करते हो, एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज सपोज मैं नहीं, ऑल वर्ल्ड में, ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी आप करवाना चाहते हो, बराबर, तो हो जाएगा। जैसे कि ये ब्रास का है, ये हाँ, ब्रास एंटिक पॉलिश में है, बराबर, बराबर। ये ब्रास के अंदर, ये वुडन पॉलिश के अंदर है, बराबर, बराबर। ये जो है बुद्धा, बराबर, ये अपने को पड़ेगा 2000 रुपए का, 2000 रुपए का। के अंदर आप जैसे कि ब्रास के अंदर स्टोन वर्क चाहते हो, बराबर, तो ये स्टोन वर्क आएगा। स्टोन वर्क बोले तो ये एलिफेंट है ब्रास का, बराबर। ब्रास के ऊपर एलिफेंट के अंदर ये जो ग्रीन है, येलो, रेडीज है, ये पूरा स्टोन है, ये ओरिजिनल स्टोन है। ये स्टोन ऊपर लगाए हुए, ये कभी भी स्टोन निकलते नहीं है। अच्छा, यानी फुल गारंटी हमारे यहाँ से मिल जाएगी, हाँ गारंटी रहती है। और ये समझो कि कभी निकलता नहीं है, ये सबसे अच्छा रहता है। इसकी प्राइस कितनी सर? जैसे कि ये एलिफेंट है तो ये आपको एलिफेंट पड़ेगा 2500 रुपए का, 2500 रुपए का पड़ेगा, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप कोई भी आप शोपीस में रखना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत सी वैरायटीज है हमारे पास, हाँ, हाँ। मैं आपको समझो कि एक एक पीस आपको वीडियो के अंदर मैं दिखाने से अच्छा है, बेटर है, हाँ। आप एक बार मेरे दुकान पे आइए, बराबर, देखिए आपको सब चीज देखने को मिलेगा जी। हमारे पास जैसे कि देखिए कि आप जो चीज जिस टाइप से मांगोगे सब मिलेगा। अब जैसे कि ये एलिफेंट बैठे हुए है, बराबर, ये प्रेस है,
हाँ, यानी जो शोकेस इस तरह से आप शोकेस के लिए लगा सकते हो, हाँ, डेकोरेशन घर पे वगैरह कर सकते हो। ये ऑटो वगैरह आपको ब्रास की प्योर ब्रास में पूरी ब्रास में मिलेगी, ये सर पड़ेगा आपको 650 रुपये में। देखो ये रिक्शा है 650 रुपये का, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, ये घर पे आप मतलब डेकोरेशन के लिए आप लगा सकते हो उसको, बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पर और भी बहुत सारी, देखो यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई हुई है जो स्वामीनारायण भगवान है, ठीक है जी सर, इसके बारे में कुछ बता सकते हो मतलब क्या प्राइसिंग है? ये देखिए कि ये है नीलकंठ वर्णी भगवान, हाँ स्वामीनारायण भगवान होते हैं ना, हाँ उनका बाल स्वरूप है ये नीलकंठ, बराबर। ये है एंटिक पालिस में, बराबर। ये एंटिक पालिस वाली स्टेच्यू आपको पड़ेगी, इसके प्राइस कितने सर आप प्राइस बता सकते हो क्या? हाँ ये प्राइस में आपको पड़ेगा 650 रुपये, 650 रुपये, बहुत बढ़िया सर जी सर। अब इसी के अंदर आप गोल्ड पालिस में लेना चाहते हाँ, तो गोल्ड में भी मिलेगा जी, जैसे कि ये है गोल्ड पालिस, बराबर है। दोनों आप साथ में लगा सकते हो मतलब साथ में दिखा सकते हो दोनों? जी 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 दोनों साथ, यानी ये चमक रहा है वो थोड़ा लेस चमक रहा है लेकिन दोनों का लुक यूनिक है एकदम। ये एंटिक है ये गोल्ड है जी सर, दोनों की प्राइस क्या बताए? इसी साथ 650 रुपये, हाँ एंटीक वाली 650 रुपये पड़ेगी और गोल्ड वाली पड़ेगी आपको 850 रुपये, 850। दोनों साइज सेम रहेगा लेकिन प्राइस के अंदर ये तो गोल्ड पॉलिश वाला अप रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर फिर कुछ दूरबीन भी लगाया हुआ है, ये जो चीज़ आप इसको घर पे मतलब शोकेस के लिए लगा सकते हो, ठीक है इस प्रकार। ये भोलानाथ है, ये शिव परिवार भी है हमारे पास, शिव जी की अकेली मूर्ति चाहिए तो भी है, शिव जी की मूर्ति में छोटी साइज बड़ी साइज, शिव परिवार में छोटी साइज बड़ी साइज, जिस टाइप की मांगों को मिलेगी। ये नटराज है, यहाँ पे ये शिवलिंग भी रखा हुआ है हमारे पास, शिवलिंग के अंदर जैसी साइज मांगोगे जिस टाइप की मांगोगे मिल जाएगी, ये छोटी साइज है। ये भी बहुत बढ़िया मूर्ति है, कौन सा भगवान है सर ये? ये रामापीर है, रामापीर भगवान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये घोड़े सवार की मूर्ति है, बराबर। अब ये ब्रास की है, इसमें आप जो साइज मांगोगे वैसी साइज मिलेगी। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि इनकी इसका वजन बहुत है सर, कितना वजन रहेगा इसका अप्रोक्सीमेटली? ये वेट होगा इसका लगभग अप्रोक्सीमेट 7 से 8 kg। हाँ ये जैसे कि ये सारी एंटिक स्टाइल आइटम है, बराबर, यूनिक एकदम एकदम यूनिक है। आपको ये सब चीजें जल्दी तर ज्यादातर आपको जहाँ कहीं पे भी देखोगे तो मिलेगी भी। देखिए यहाँ पे बहुत सी वेराइटीज आपने देखी, ये बुल बुल है, बराबर है, हाँ। जैसे कि ये देखिए लुक में, बराबर इसका लुक ब्रास का है ये, बराबर लुक कितना फाइन बनाया हुआ है, बराबर यूनिक टोटल, हाँ ये टोटल जो चीज़ है ये पूरी हैंडमेड है, ये पूरी हाथ से बनी हुई चीज़ है, बराबर है, हाँ। सर इसकी प्राइस कितनी है? ये प्राइस में पड़ेगा सर 2500। इसका वजन बहुत है मुझे लग रहा है, कितना वजन है सर इसका अप्रोक्सीमेटली? इसका वजन आएगा 2 किलो के तकरीबन, बराबर है। वॉच वगैरह है अपने पास, हाँ बराबर। ये जो बड़ी बड़ी ऑफिस में लगाते हैं मतलब इस प्रकार से जो शोकेस में है, जी जी जी, फिर हाँ ये बराबर है सर। इसकी प्राइस कितनी सर इसकी? ये 1500 रुपये का पीस पड़ेगा, बराबर। इसमें दोनों साइड कंपास दिया हुआ है, बराबर है। ये कंपास भी आता है, अच्छा हाँ। ये डेकोरेशन के लिए मतलब लगा सकते हैं इसको घर पे? जी 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 सर। कितना प्राइस है इसका सर? ये पड़ेगा 1500 रुपये का, 1500 रुपये का पड़ेगा। ये भी ब्रास का है सर? हाँ 100% ब्रास जी। 3 म्यूजिकल है, ये भी आप सो पीस में रख सकते हो। ये जैसे कि ये कलर है इनका, हाँ, ये ब्रास के ऊपर ही किया हुआ है, ये लुक इनका एंटिक दिखाने के लिए, बराबर है। यूनिक अपने मतलब पूरा कस्टम डेवलपमेंट किया लग रहा है मुझे जी। ये पूरा हैंडमेड आइटम है हमारे पास, जो भी चीज मांगो देख रहे हो, जो भी चीज मांगोगे टोटल हैंडमेड ही मिलेगा, हाथ से बनाया हुआ। अब ये बाइक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब ये पूरी ब्रास की बनी हुई है, बराबर है। ये डेकोरेशन के लिए घर पे मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे लग रहा है। ये डेकोरेशन के लिए ही है सर। कितनी कीमत रहेगी इसकी? ये सर रहेगी 550 रुपये, 550 रुपये का है ये, बहुत बढ़िया। ये लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा के अंदर छोटी साइज से लेके बड़ी साइज से भी बड़ी, इससे भी बड़ी चाहिए तो भी मिलेगी, बराबर है। छोटी ईगल है, ईगल के अंदर बड़ी साइज मांगो मिलेगी। जगुआर है, रैबिट है, जो चीज़ जैसी मांगोगे वैसी मिलेगी हमारे पास। और यहाँ पर कुछ चीज़ यूनिक चीज़ है, देखो यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये एरोप्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान की मूर्तियाँ ही मिलती है, स्टेचू भगवान के ही मिलते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको समझो घर पे डेकोरेशन करना है, ठीक है, घर पे आप शोकेस के लिए आपको चाहिए तो इस प्रकार से भी आपको मिल जाता है। देखो एरोप्लेन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर देखो टैंक भी अवेलेबल है, ठीक है, इस देखो इस प्रकार का आपको टैंक भी मिल जाएगा, ब्रास के मटेरियल से बनाया हुआ टैंक, ठीक है। इनका भी वज़न बहुत है, ऐसा तो उठा पा रहा हूँ लेकिन इनका वज़न बहुत है।
देखो फिर इस प्रकार का भी जो ये है ये शोकेस के लिए है, तो ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये फिर ये चीज़ है, फिर पेन वगैरह ये चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। देखो इसका लेकिन वज़न बहुत है, देखो इस प्रकार से ये पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर कोई चीज़ भी देखो, यहाँ पर कुछ कॉपर जो मटेरियल होता है उससे बनाया हुआ जग मिलेगा, ठीक है, फिर बाटल मिलेगी, फिर इस प्रकार का जो बाबा जो अलादीन के ज़माने का, देखो इस प्रकार से भी आपको पूरा मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कुछ चीज़ इनका मतलब जो आप शोकेस के लिए घर पे लगा सकते हो, बाटल दी हुई है जो गोल्ड पॉलिश है पूरा, देखो आप इनका मतलब देख सकते हो, मतलब क्या बहुत बढ़िया लग रही है, गोल्ड पॉलिश है पूरा, बाटल का लुक दिया हुआ है। सर इसकी प्राइस क्या हो सकती है इसकी? इतनी 600 रुपये का, बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ पर इनका मतलब बहुत, अगर आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी अगर आपको स्टेचू चाहिए डेकोरेशन के लिए चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो गणपति जी की मूर्तियाँ है, मूर्ति है, ठीक है, और यूनिक पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है। देखो इनका मतलब एक बड़ा सा मुँह है, इसके नीचे पेट है, ठीक है, और पेट भी पूरा यूनिक डिज़ाइन दिया हुआ है इस प्रकार से, वो पूरा ब्रास जो होता है उसका बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आप नीचे देखोगे तो आपको स्टैचू शिव जी की स्टैचू मिलेगी, बराबर है, हाँ। इसका फिनिशिंग देख लीजिए, इसका पॉलिशिंग देख लीजिए, ये पॉलिशिंग किया हुआ है, बराबर है, ये पॉलिशिंग किया हुआ है, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपको घर के एंट्रेंस के लिए चाहिए, अगर आपका बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप इस तरीके की मूर्तियाँ है, ठीक है, फिर इस तरह की जो बड़े बड़े लोग लगाते हैं तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वैसा है, ठीक है। आपके बगल में ये नीलकंठ वर्णी पड़ी है, हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। इसकी कीमत कितनी रहेगी सर, ये जो मूर्ति आपने दिखा रहे हो? ये 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये की, और इसका वज़न कितना रहेगा सर? वज़न इसका 11 से 12 किलो। 12 किलो, बराबर है। गोल्ड पॉलिश है इसके अंदर, अगर जो आप बिना गोल्ड की लेते हो, हाँ, तो वो लगभग आपको पड़ेगी 13-14 हज़ार, बराबर है। यानी देखो ये नीलकंठ वर्णी जो स्वामीनाथ भगवान का बचपन का फो है, ये पूरा स्टेचू बनाया हुआ है, ये गोल्ड पॉलिश है, ठीक है, बहुत चमक रहा है, इसकी कीमत 20,000 सर ने बोली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखो इस तरीके के मटेरियल में चाहिए, थोड़ा गोल्ड पॉलिश नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको 14,000-15,000 के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर गणपति की मूर्ति भी यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, ये सब, ये देखो ये वाला है गोल्ड पॉलिश है और ये वाला गोल्ड पॉलिश नहीं है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। ये एंटिक पॉलिश बोलते हैं सर, जैसे बता रहे हो सर कि एंटिक पॉलिश है, ठीक है, तो इसकी कीमत जो होती है कम होती है, ठीक है, और दोनों का लुक जो होता है यूनिक होता है, ठीक है। शंकर भगवान है, उनकी पूरी यहाँ पर ब्रांस का जो मटेरियल से बनाया हुआ पूरा, तो बहुत वजन है इसका, मतलब आप हिला भी नहीं पाते, देखो मैं आपको हिला के भी दिखाऊंगा, ये हिला भी नहीं पाता हो, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो होता है रामदेव पीर भगवान जो है उनका पूरा यहाँ पर स्टेचू आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्टेचू यहाँ पर लगाया हुआ है ब्रास मटेरियल जो होता है। यहाँ पर शिवलिंग भी है, ठीक है, शिवलिंग है, फिर यहाँ पर गणपति की मूर्ति है, ठीक है। आप यहाँ पर मतलब बहुत सारी आप चाहो वैसे आपको मिल जाएगी, यहाँ पर बुद्ध भगवान का स्टेचू लगाया हुआ है, ठीक है। सर ये वाला जो मटेरियल है बुद्ध भगवान का, ये कौन सा मटेरियल है? ब्रास है, ब्रास है, बहुत पित्तल का मटेरियल। कितने का मूर्ति रहेगा सर अप्रोक्सीमेटली, कितने का रहेगा ये वाला? बहुत बढ़िया। कितना इसका वजन रहेगा, मतलब कुछ आइडिया हो सकता है? वजन इसका 20 किलो के तकरीबन रहेगा। इसका वजन 20 किलो है, सोचो आप इतनी छोटी सी मूर्ति है, इसका वजन 20 किलो है, ठीक है। यहाँ पर फिर एल्यूमिनियम की मूर्ति जो लगने जैसे चांदी जैसा लग रहा है, लेकिन ये है एल्यूमिनियम है, ठीक है। इनका भी स्टेचू यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर स्वामी जो विवेकानंद है उनका पूरा स्टेचू बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर फिर कृष्ण भगवान जो है उनका स्टेचू भी बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वैसा सेम टू सेम स्टेचू यहाँ पर बनाया हुआ है। मुझे देखो इसका वज़न बहुत है, बहुत बढ़िया लग रही है, जो मुझे लग रहा है कि ये कृष्ण और अर्जुन का कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं वो नहीं है, कुछ अलग ही है, रथ के साथ पूरा है, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है।